भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में एक साथ मानसून सिस्टम के सक्रिय होने के खंडवा जिले में बारिश के चलते इंदिरा सागर का बांध का जलस्तर बढ़ने लगा है और बाद में जलस्तर बढ़ने की संभावना है। नर्मदा के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद बिरंगी और तवा गेट के खोलने से इंदिरा सागर जलाशय में भी जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण देर रात्रि को इंदिरा सागर के 12 गेट और ओंकारेश्वर बांध के 11 गेट खोलने पड़े। नर्मदा में बाढ़ के खतरे को देखते हुए निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और घाटों पर स्नान नौका पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ने से इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोलकर 2512 क्यूसेक व टर्बाइन से 1840 कुल 4352 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और ओंकारेश्वर बांध के 11 गेट कुल 12.5 मीटर तक खोलना पड़ा। वहीं गेट से 2967 क्यूसेक और पावर हाउस से 1896 क्यूसेक कुल 4863 क्यूसेक पानी छोड़ना शुरू किया गया। बांध के डाउन स्ट्रीम व अप स्ट्रीम में आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाने अलर्ट जारी किया गया है। रिपोर्टिंग भारती न्यूज। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।